वेलकम यू ऑल इन आर एस पी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पशुपालन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का इंजॉर्ज नाम का प्रथम क्लोन किसका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसमें ऑप्शन भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, ऑप्शन ये दिए गए थे, ऊंट का, बकरी का, सुअर का या भेड़ का। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है, विश्व का इंजॉर्ज नाम का प्रथम क्लोन जो था वो ऊंट का था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा टू का नाम किसका है। गरिमा टू का नाम किसका है, तो फ्रेंड्स ऑप्शंस दिए गए थे, क्लोन गाय का, क्लोन भेड़ का, बीटी टमाटर का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, क्लोन भैंस का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी कम्पिटेटिव एग्जाम में इस क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति की कारण दूध में जो है मिठास आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने अपने इसको फेसबुक के पेज में भी पूछा था। तो इसका जो है ऑप्शन दिए गए थे, माइक्रोज की, लैक्टोज की, सुक्रोज की या कैरोटीन की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, लैक्टोज की। और फ्रेंड्स मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक जो है वो इतना क्वेश्चन बैंक पहुंच जाए कि आप उन क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ के ही किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को जो है वो प्रिपेयर कर ले। तो इसे ही देखते हुए हमने जो है 10 लाख क्वेश्चन का जो है बैंक बनाने का मिशन स्टार्ट किया है। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि अभी तक आपने हमारी वेबसाइट एंड फेसबुक पेज एंड यूट्यूब को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही हम कोई भी कंटेंट अपलोड करेंगे तो वो आपको इमीडिएट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है। दूध किस जीवाणु के कारण जो है वो खराब होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दूध किस जीवाणु के कारण जो है वो खराब होता है। इस क्वेश्चन को भी काफी बार पूछा जाता है, तो आंसर रहेगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की क्या कितनी मात्रा होती है, क्या मात्रा या कितनी मात्रा होती है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, 7.2% इज द राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छी ऊन पश्मीना क्या होती है और यह कैसे प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बकरी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अच्छी जो ऊन है वो बकरी की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको जो है वो पश्मीना होती है, इस तरह से भी उसको पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट के लार्वा को क्या कहा जाता है, रेशम कीट के लार्वा को जो है वो क्या कहा जाता है। तो आंसर रहेगा सी ऑप्शन, कैटरपिलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस है, हमने जो कम्पिटेटिव एग्जाम थे वेरियस, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी स्टेट का हो, हमने सबसे जो है क्वेश्चन उठा के आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, और यदि आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.rsplatestinfo.com से जो है वो जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इनको प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त बरम कौन होता है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त बरम कौन होता है। तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन, अर्थवर्म। अर्थवर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत रोग जो है वो किस में पाया जाता है, रानीखेत रोग जो है वो किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली रानीखेत रोग जो है वो पोल्ट्री में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंह पक्का रोग किसे में होता है, खुरपका मुंह पक्का रोग जो है वो किस में होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा, जो मवेशी होते हैं इनमें जो है वो यह रोग होता है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के अफरा तफरी रोग क्या होता है, पशुओं के अफरा रोग जो है वो क्या होता है। तो आंसर तफरा नहीं होगा, अफरा रोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, प्रदूषित भोजन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो निमन में से किसकी नस्ल है, मेरिनो निमन में से किसकी नस्ल है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, भेड़ की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के हल्के पीले रंग का कारण किसकी उपस्थिति से होता है। गाय के, आपने देखा है कि कई बार जो है गाय का दूध जो है वो हल्का पीले रंग का होता है, तो वो
बेसिकली किसके कारण से होता है? तो आंसर रहेगा बी ऑप्शन, रिबोफ्लेविन के कारण। रिबोफ्लेविन के कारण जो है वो गाय का दूध जो है वो हल्के पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर का जंतु वैज्ञानिक क्या नाम है? सूर का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? तो आंसर रहेगा ए ऑप्शन, सस्क्रोफा। ठीक है फ्रेंड्स, सस्क्रोफा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल का हवाई जहाज कौन सा है? तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कम्पिटेटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आंसर जो रहेगा इसका बी ऑप्शन रहेगा, ऊंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक क्या नाम है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो जंतु होते हैं उनका जो साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछा जाता है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी आपके साथ पहुंचाए हैं। तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, गैलस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बिक्स मोराई का लार्वा कौन होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इज द सी ऑप्शन, कैटरपिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमन में से रेशम कीट का विषाणु कौन सा रोग है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, पेब्राइन रोग। पेब्राइन रोग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु एक कीट का स्त्राव है? तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लाख। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? तो आंसर रहेगा सी ऑप्शन, सेरिकल्चर को जो है वो रेशम उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर रहेगा ए ऑप्शन, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत रोग, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वो अभी चेंज हो सकता है, तो इसे हम, यदि आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और है तो वीडियो में जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस ईयर में उठाया था, तो अभी जो है ताज़ा रेटिंग जारी होगी तो उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। अगर इसका चेंज हुआ तो हम कमेंट में जो है आपको उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, रानीखेत रोग का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो है विषाणु के कारण होता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शहद की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, एपिस डॉर्सेटा से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के स्त्रावण से जो है वो रेशम सूत बनता है? तो ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, सेरीसिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घोड़े का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका रहेगा सी ऑप्शन, इक्वस कैवलस। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वस कैवलस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन घोड़े का जंतु नेम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओक रेशम कीट का जो है वो वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम क्या है? तो आंसर रहेगा बी ऑप्शन, एंथेरिया अशामा इज द रेशम कीट का जो है वो साइंटिफिक नेम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशु की सबसे अच्छी दुधारू किस्म कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स आंसर रहेगा सी ऑप्शन, होल्स्टीन फ्रिशियन। ठीक है फ्रेंड्स, होल्स्टीन फ्रिशियन इज द राइट आंसर, दुधारू पशु की सबसे अच्छी दुधारू किस्म होती है होल्स्टीन फ्रिशियन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद रासायनिक तौर पर क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोनोसैकेराइड जो है वो शहद का रासायनिक तौर पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत रेशम कीट का जीवन चक्र पूर्ण कितने दिन में होता है? तो आंसर रहेगा 45 डेज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आपके लिए है, बॉम्बिक्स मोराई किस पादप की पत्तियों पे पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑक की, मैचलिस की, फाइकस की या शहतूत की। तो फ्रेंड्स आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, और हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसका आंसर जो है आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट से भी इसे जब मर्जी चाहे रीड आउट कर सकते हो, और यहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.rsplatestinfo.com। एंड यदि अभी तक आपने फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 10 लाख जीके क्वेश्चंस का, वो आपको पीडीएफ फाइल खुद मेल करके भेजेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर कमेंट करिएगा। जैसे ही आप कमेंट करोगे तो उन कमेंट के हिसाब से ही हम जो है वो आपको ये पीडीएफ फाइल सेंड आउट करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।